हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक ताज़ा गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से MES रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, बम्पर नंबर की वैकेंसी है, ऑल इंडिया के लिए रहेगा। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए इलिजिबल रहने वाले हैं। तो अगर आप भी इस गवर्नमेंट जॉब को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल वे में बताने वाली हूँ कि इस रिक्रूटमेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल क्राइटेरिया, आपका फॉर्म कब आएगा, सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि आर्मी MES की न्यू रिक्रूटमेंट अपडेट आई है, मतलब कि ऑलरेडी ना नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आपको MES का मतलब बता दूं, सबसे पहले मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंडर ये सारे पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो 41,822 सीट्स के लिए, मतलब कि 42,000 के प्लस आपका आसपास ये सीट रहने वाला है। तो अच्छा खासा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, समझा जाए तो गोल्डन से भी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। एज लिमिट अगर देखेंगे इसके लिए तो आपका मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स रखा गया है एज का रिक्वायरमेंट। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, OBC को 3 इयर्स का एंड SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फॉर्म की फी जनरल OBC एंड EWS के लिए 100 रुपीज रहेगी एंड SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से कोई भी चार्जेज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, पोस्ट वाइज कितनी सीट्स रखी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे फर्स्ट सीट आपकी है मेट की, इसके लिए आपको सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट रहने वाली है, 27,920 सीट्स पे रहेगी। क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होना चाहिए मिनिमम। MTS के लिए 11,316 सीट है, 10th पास इसके लिए भी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्टोर कीपर के लिए 1,026 सीट है, 10th या 12th प्लस आपका टाइपिंग रहने वाला है। ड्राउट्समैन के लिए 944 सीट्स रखा गया है, 12th पास आउट इसका आपका रिक्वायरमेंट रहने वाला है। देन आपके लिए है सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर की जो पोस्ट है वो, उसमें आपको 534 सीट्स है। बैरक एंड स्टोर ऑफिसर के लिए 120 सीट है, आर्किटेक्ट कैडर ग्रेड ए के लिए 44 सीट्स रखा गया। तो इन तीनों ही सीट्स के लिए फ्रेंड्स आपका हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब कि MA, BTEC या डिग्री। तो ये थोड़ा सा मतलब हायर क्वालिफिकेशन है, तो हम लोग जनरली इन चारों जो है पोस्ट इसके लिए ही हम लोग फोकस करने वाले। इसमें भी अगर आप सिर्फ 10th पास आउट हो, अगर फिजिकल आप नहीं कर सकते हो, तो आप ना MTS के ऊपर अपना पूरा फोकस रखो। सीट 11,316 है, अच्छी खासी तैयारी रहेगी तो आप पास कर जाओगे एक बार में। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पास आउट रिटन एग्जामिनेशन, मतलब कि ऑफलाइन पेपर आपका पहले होगा, देन होगा आपका फिजिकल फॉर सम पोस्ट, मतलब पोस्ट वाइज डिपेंडेबल रहेगा, हर पोस्ट के लिए आपका फिजिकल नहीं होगा। जैसे कि MTS का पोस्ट है, इसके लिए आपको कोई फिजिकल नहीं होगा, ओनली फॉर 10th पास आउट हो, एग्जाम दो, पास आउट हो गए तो आपका जो है DV होगा, उसके बाद मेडिकल और आप ज्वाइन कर सकते हो। सो या फिजिकल के बाद सारे पोस्ट में होगा DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल होगा। सो आओ फ्रेंड्स, हम लोग रिटन एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपका ऑफलाइन पेपर होगा, OMR बेस्ड, मतलब पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम लिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए रहने वाले, टाइम 2 आवर्स का रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की।
जनरली मतलब इन सब पोस्ट के लिए अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए रहेगा। इन तीनों पोस्ट के लिए अगर बात करें तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस के आपको हो जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड टॉपिक मतलब कि जिस जो आपका डिग्री वगैरह रहेगा, ट्रेड्समैन की पोस्ट रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स स्पेशलाइज्ड टॉपिक से आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए रहने वाला है। सो आई होप कि मैंने जो एग्जाम पैटर्न आपको एक्सप्लेन किया है आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका फिजिकल। तो आइए मैं फिजिकल का क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपका हाइट मेजरमेंट होता है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। नॉर्थ इंडिया के जो मेल कैंडिडेट है उनका मिनिमम 175 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, अदर्स के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट की रिक्वायरमेंट। फीमेल्स के लिए नॉर्थ इंडिया के अगर आप हो तो आपका मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, अदर्स के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर की यहाँ पे हाइट रिक्वायरमेंट रखी गई है। देन फ्रेंड्स होता है आपका पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें होती है आपकी रनिंग। मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट में इसको आपको कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है जो कि आपको 8 मिनट में कंप्लीट करना होता है। सो फ्रेंड्स, ये तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस का मेजर पार्ट, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल क्राइटेरिया, आपने ये समझ लिया होगा। उसके बाद सिंपल सा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो तो फ्रेंड्स आप कोई सा भी जॉब करते हो तो आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच तो की ही जाती है। उसके साथ ही आपका सिंपल सा मेडिकल होता है, तो ये आर्मी की तरफ से है तो उसमें आपका मेडिकल तो होना ही है। उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा फ्रेंड्स कि जॉब की लोकेशन क्या रहेगी। तो इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट है तो ऑल ओवर इंडिया में आपकी लोकेशन रहेगी। एज पर द इंडियन आर्मी आपको जहां पर लोकेट किया जाएगा आपको कंट्री को वहां से सर्व करना पड़ सकता है। आइए फ्रेंड्स मैं आपको इनहैंड सैलरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनिशियली आपको 56,100 रुपीस की सैलरी दी जाती है पर मंथ के लिए। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, आप ज्वाइन करोगे तो इनिशियली इस सैलरी के साथ आपकी ज्वाइनिंग होगी, फिर आपका पर ईयर इंक्रीमेंट होगा, पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे, देन आपका जब मतलब होता है ना कि रिटायरी के समय क्या सैलरी मिलेगा, तो आपका सैलरी बढ़ के हो जाता है 1,77,500 रुपीस। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, पोस्ट भी बहुत अच्छी है। सोच रहे होगे आप, सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा मैम ने बताया ही नहीं कि फॉर्म कब आएगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस फॉर्म का ना नोटिफिकेशन ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था आपको जुलाई में, 16th of July को, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि एक सप्ताह के अंदर ही ये फॉर्म हम सभी के बीच आ जाएगा। बट जानते हो कि गवर्नमेंट चीज़ों में थोड़ा सा किसी कारणवश इधर उधर हो जाता है, डीले हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको अपने मन से बता रही हूँ कि वैकेंसी आने वाली है। आप चाहो तो इसका नोटिफिकेशन जो आया था मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, आप वहां जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख सकते हो। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि किसी रीजन से डिले तो हुआ है, बट आपको सेप्टेम्बर लास्ट तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये फॉर्म आपका हम सभी के बीच आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, अपनी तैयारी की स्पीड को ना कंटिन्यूअसली एकदम रखना है, कंटिन्यू तैयारी करते रहना, ताकि जब फॉर्म आए तो हम लोग एक ही बार में ना अपना जो हम लोग एक ही बार में ना जॉब को अपना हासिल कर पाए। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको जो डिटेल बताया है आर्मी MES रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, कमेंट सेक्शन दिया गया वहां पे आके अपने क्वेश्चन को पूछना है। अदरवाइज अगर आप साई पर्सन हो आके कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हो, तो आपके लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल तीनों का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहो तो वहां पे भी फॉलो करके आप अपने क्वेरीज वहां पे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हो। और अगर फ्रेंड्स आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। मिलूंगे आपसे फिर से किसी फ्रेश गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।